आज बच्चों हम मैट्रिक्स स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर पहले तो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और फिर मैट्रिक्स स्पेस के कुछ जो स्पेशल हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, चाहे वो MSc एंट्रेंस का हो या फिर CISR नेट का एग्ज़ाम हो, जो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी। अगर आप इनको थोड़ा सा भी याद रखोगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपको इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर हमें क्या लेना है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की एक्स के साथ ही कार्टिजन प्रोडक्ट लेनी है। हमें क्या करना है, एक्स की एक्स के साथ क्या लोगे, कार्टिजन प्रोडक्ट। अब यहाँ से कार्टिजन प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ से आपने एक फंक्शन डिफाइन करना, जिसको आप किसे डिनोट करोगे, डी से। एक फंक्शन हमने डिफाइन कराया कहाँ पे, एक्स क्रॉस एक्स पे, जो कि इसकी ये क्या कहलाएगी हमारे पास, डोमेन। डोमेन कहाँ तक डिफाइन करोगे इसको, एक्स क्रॉस एक्स से आर तक। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्स हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स के एक्स के साथ हमने क्या करी, कार्टिजन प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या हमारे पास, डी। इस डी को हम दो अलग अलग नामों से, या तो आप इसको मीट्रिक बोल दो, या आप इस डी को क्या बोल दो, डिस्टेंस फंक्शन। दो मीट्रिक भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो इसको, डिस्टेंस फंक्शन। अब जो हमारे पास डी है वो क्या करेगा, आपके पास ये डी को आप मीट्रिक बोलो या डिस्टेंस फंक्शन बोलो, या आप इसको एक मशीन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ये आपके पास डोमेन है। इसमें से आप कोई भी एलिमेंट चूज करके इस मशीन के अंदर रखोगे और ये मशीन उसकी क्या निकाल के देगी आपको, डिस्टेंस। और वो जो डिस्टेंस जो आपकी आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो डिस्टेंस आपको कहाँ पर मिलेगी, आर के अंदर। अब जो डोमेन आपकी वो क्या आपके पास, एक्स क्रॉस एक्स। तो एक्स क्रॉस एक्स के अंदर जो आपको एलिमेंट मिलेंगे वो किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट, जो किसके अंदर बिलोंग करेंगे आपके, एक्स क्रॉस एक्स के अंदर। यानी किस में एलिमेंट मिलेंगे आपको, इसके अंदर पेयर के अंदर एलिमेंट। तो यहाँ से आप कोई भी पेयर अगर उठा करके उसके ऊपर, या फिर इस मशीन के अंदर रखो, या फिर ये बोलो कि कोई भी पेयर उठा करके यहाँ से उसके ऊपर डी ऑपरेट करो, तो डी आपका क्या देगा, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको बताएगा। डी अगर इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो आपको क्या बताएगा, एक्स और वाई की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और वो जो हमारी डिस्टेंस आएगी इनके बीच की, वो डिस्टेंस जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो आपकी कहाँ पर मिलेगी, रियल नंबर के अंदर। अब ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया, क्या होगी डोमेन, क्या होगी इसकी, एक्स क्रॉस एक्स, और इसकी कोडोमेन क्या होगी हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ये जो डी है हमारे पास, आप इसको डिस्टेंस फंक्शन भी बोल सकते हो, मीट्रिक भी। अब अगर ये डी है हमारे पास, अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब इसको क्या बोलोगे आप, मीट्रिक। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर दे तब ही आप इसको क्या बोलोगे, मीट्रिक। अब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद, अगर एक मिनट के लिए माने हमने इसकी चार प्रॉपर्टी क्या कर दी, इसने सेटिस्फाई कर दी, अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद फिर अगर आप इसको डी को एक्स के साथ पेयर में लिखोगे तो ये आपके पास क्या बोला जाएगा, मीट्रिक स्पेस। पहले आपने क्या करना, डी एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर, फिर हमने अगर इस डी के साथ चार प्रॉपर्टीज देखनी, अगर वो इस डी ने चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो आप इसको क्या बोलोगे, मीट्रिक। अगर साथ में एक्स के साथ पेयर लोगे तो इसको क्या बोलोगे, मीट्रिक स्पेस। अब सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टी, इसको मीट्रिक्स बोलने के लिए वो क्या चार प्रॉपर्टी पहले वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके अंदर। तो वो चारों प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वो नॉन नेगेटिविटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डी ऑफ एक्स वाई। यानी यहाँ से किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप डी ऑपरेट करो तो जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। क्यों, आपका दोनों सेट इधर भी एक्स और इधर भी एक्स, तो जो एलिमेंट दोनों एक्स वाई किससे हैं, एक्स से ही हैं। तो आप कोई भी किसी भी पेयर के ऊपर डी ऑपरेट करो देन उस पर क्या रहना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है डी ऑफ
एक्स वाई, अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास पेयर की जीरो के इक्वल हो तो यहाँ से क्या लिखोगे, अगर डिस्टेंस जीरो होगी तो x और y क्या होंगे आपके इक्वल, डिस्टेंस जीरो तो x और y इक्वल, x और y इक्वल तो डिस्टेंस आपका क्या होगी जीरो, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, इसका नाम सिमिट्री भी बोल देते हैं इसको, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, d ऑफ x y इज इक्वल टू d ऑफ y x, फॉर ऑल x y belongs to x। इस प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कि आपने x और y की डिस्टेंस निकाली, x y की डिस्टेंस निकालो या फिर y x की, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट a हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया हमारे पास b, या तो आप a से b की डिस्टेंस निकालो, इधर से इधर जाके डिस्टेंस निकालो, या फिर आप b से a की डिस्टेंस निकालो, तो दोनों डिस्टेंस सेम ही रहेंगी, तो क्या हमारे पास डिस्टेंस ऑफ x y या फिर डिस्टेंस ऑफ y x दोनों क्या रहनी चाहिए, इक्वल। जो फोर्थ प्रॉपर्टी इसके अंदर, फोर्थ प्रॉपर्टी को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी का डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हमारे पास, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलेंगे, तो ये क्या हमारे पास एक्स वाई की जो डिस्टेंस है, कोई भी दो पॉइंट एक्स और वाई, इनकी जो डिस्टेंस निकालेंगे हम क्या रहेगी वो लेस देन इक्वल टू, दो निशान लेस का और इक्वल का, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो इसके अंदर दो कैसे, या तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों की डिस्टेंस इन दोनों के सम से क्या रहेगी लेस, या क्या होगी इक्वल। तो ये दोनों केस हम एक बार डिस्कस कर लेते, मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट एक्स है, ये एक पॉइंट हमारे पास वाई, और ये हमने इन दोनों को एक लाइन के अंदर दोनों पॉइंट एक्स और वाई। अब ये जो तीसरा पॉइंट जेड है, अगर जेड हमारे पास जिस लाइन के अंदर एक्स और वाई है, जिस लाइन के अंदर क्या हमारे पास x और y, उसी लाइन के ऊपर अगर z भी हो, जिस लाइन के अंदर हमारे पास x और y है, अगर z भी उसी लाइन के ऊपर हो, तो x की y से डिस्टेंस निकालो, फिर क्या करो x की z से डिस्टेंस प्लस में z की y से डिस्टेंस, अगर इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो किसके इक्वल होगी, x y की डिस्टेंस की। इस केस में तो आपका क्या होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी। दूसरा केस क्या, अगर z आपका, ये मान लो क्या होगा आपका x, ये हो गया आपके पास y, अगर z मान लो इस लाइन पे लाई ना करे, z जिस लाइन के अंदर x y इस लाइन पे लाई ना करे, अगर मान लो ऊपर नीचे हो जाए, मान लो यहाँ पर आपका z है, तो क्या करोगे, पहले x की z से डिस्टेंस निकालोगे, फिर क्या करोगे z की y से डिस्टेंस निकालोगे। तो इस केस के अंदर आप एक तो क्या करो, x की y से डिस्टेंस निकालो, फिर क्या करोगे x की z से और z की y से, इन दोनों का सम क्या रहेगा, इस सम से, इस एक्स वाई की लेंथ से क्या रहेगा, ज़्यादा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन वाला साइन होगा, और इस नीचे वाले केस में क्या होगा हमारा, इक्वल वाला। अगर कोई भी डी एच आर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीट्रिक। और एक्स को भी अगर साथ लिखोगे तो क्या बोलोगे इसको, मीट्रिक स्पेस। तो अगर डी ने हमारा चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो डी को हम बोलेंगे मीट्रिक, या फिर आप इसको क्या बोल दो, मीट्रिक स्पेस, अगर एक्स भी इसके साथ लिखो, या दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस फंक्शन। ये चार प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर इनके अंदर से हम फर्स्ट को छोड़ भी दें तो भी हमारे पास इन तीन प्रॉपर्टी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, बाकी जो तीन प्रॉपर्टी, इनसे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर इन तीन का यूज करके आप निकालना चाहो तो इसको भी आप इजीली निकाल सकते हो। मान लो जैसे हम सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करें हम, यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, वाई की जगह पे मैं एक्स को ही रख लेता हूँ, वाई की जगह पे क्या लिया मैंने, एक्स ही, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या देखोगे, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच में हमने क्या लिया, एक तीसरा एलिमेंट जेड। तो यहाँ पर ये तो दोनों हमारे पास सेम ही हो गए, तो इन दोनों के बीच में एक नया एलिमेंट लेना हमने, तो यहाँ पर ले लो एक्स वाई प्लस में डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो अब मैंने इनके बीच में यहाँ पर क्या ले लिया, वाई। तो अब एक चीज़ देखो, ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ किया इसके अंदर, फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद हमने इसके अंदर क्या किया, एक्स वाई की जगह पर तो क्या रख दिया, एक्स, और जेड की जगह पर क्या रख दिया हमने इसके अंदर, सीधा ही कर लो इस टाइप से ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स लेस देन इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई एक्स। अब अगर इसके अंदर, ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, अगर सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करो, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई,
अगर जीरो होगी तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर दोनों इक्वल होंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या हमारे पास, इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी से आपका ये डी किसके इक्वल हो गया यहाँ से 22 सेकेंड। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी आपकी, जीरो। लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी यूज होगी, सेकेंड भी होगा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी बची थर्ड। थर्ड के अंदर क्या, अगर इन दोनों एलिमेंट्स को आप चेंज कर दो तो भी डिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या कर दो, इसको आप चेंज कर दो इन दोनों की पोजीशन, क्या कर दोगे इसको, एक्स वाई। तो बाई थर्ड प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डी ऑफ एक्स वाई टू टाइम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टू से आप टू कर दो कैंसिल दोनों साइड से, या इधर डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यही हमारे पास क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इन तीन प्रॉपर्टी का यूज करके आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को निकाल सकते हो, अगर छोड़ना चाहो छोड़ दो। ये इसलिए लिख रखी ताकि हमारा क्या हो, सीधा कंसंट्रेट हो इसके ऊपर कि डिस्टेंस आपका क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अदरवाइज ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप इन तीन का यूज करके भी इसको डिराइव कर सकते हो। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करते तो इसको बोलोगे मीट्रिक, और एक्स भी साथ में लिखोगे तो क्या बोलोगे उसको, मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस के कुछ यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको किसी भी एग्जाम के अंदर जाके देखोगे तो एज इट इज़ मिलेंगे। जैसे MSc एंट्रेंस के अंदर तो एज इट इज़ मिल जाएंगे। अगर मान लो आप CSIR नेट का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कुछ चेंज भी कर सकता है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ चारों चारों चेक भी करके देखनी पड़ सकती। अगर आप इन क्वेश्चन को एज इट इज़ याद रखोगे तो आपको वहाँ पर एग्जाम में टाइम कम लगेगा, कोई भी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, यूजुअल मीट्रिक। तो यूजुअल मीट्रिक में एक्स हमारा किसके इक्वल टू होगा, आर के, यानी एक्स हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट वो क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर हमने जो डी डिफाइन किया है, डी किस तरीके से डिफाइन किया, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। तो ये जो डी डिफाइन किया गया किसके लिए, आर के लिए, ये आपका हमेशा क्या बनेगा, मीट्रिक स्पेस। तो ये आपका क्या बनेगा, हमेशा मीट्रिक बनेगा, या फिर आप एक्स को भी साथ में लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, मीट्रिक स्पेस। अगर आप चारों चारों प्रॉपर्टी देखना चाहो तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड, तो मोडलस हमेशा क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी डी अगर जीरो होगा, डी जीरो होगा तो यानी कि एक्स माइनस वाई का मोड किसके इक्वल टू जीरो के, और किसी टर्म का मोड, किसी नंबर का मोड कब होता है जीरो, जब वो खुद टर्म क्या हो, जीरो, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई जीरो इक्वल टू इक्वल होगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, सिमेट्री। इन दोनों को अगर मोड में चेंज कर दो तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर आगे पीछे कर देगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ऑफ वाई एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, इसके अंदर क्या कर लो, प्लस माइनस जेड, और मोड को प्लस पे खोल दो तो बीच में क्या निशान आ जाएगा, लेस देन। तो ये हमारे पास जैसे इसके अंदर एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, प्लस माइनस जेड कर दो तो मोड को प्लस पे खोलो तो क्या बनेगा, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, सेकंड। सेकंड क्या हमारे पास, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस किस टाइप से डिफाइन, हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई, अगर ये आपके पास जो जिन दो एलिमेंट्स के बीच की आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, अगर ये दोनों ही सेम मेंबर हो तो किसके इक्वल आंसर देगा आपका, डी जीरो। यानी इन दोनों के बीच की दोनों ही सेम हुए तो डिस्टेंस कितना देगा इनके बीच की, जीरो। अगर दोनों डिफरेंट हुए तो डिस्टेंस कितना देगा इनके बीच का, वन। ये एक ऐसी मीट्रिक है जो हमारा रियल लाइफ में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं। इसको आप देख भी सकते हो, जैसे मान लो कोई भी शहर या कोई भी आप गाँव या कोई भी कस्बा अगर लोगे तो वहाँ पर अगर किसी भी मान लो एलिमेंट के तौर पर हम किसी भी पर्सन को लें, किसी भी इंसान की अगर उस खुद से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगी, जीरो। अगर मान लो बाकी भी तो कस्बे के अंदर या शहर के अंदर जो भी पर्सन हमारे पास किसी एक पर्सन की दूसरे से डिस्टेंस निकालोगे, फिर और कोई कहीं पे बैठा, कोई कहीं पे बैठा, उन सब की वन यूनिट डिस्टेंस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल हमारे पास रियल लाइफ में तो सुटेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये मीट्रिक की चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वन अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, मीट्रिक बन जाएगा। पहला हमारे पास क्या, यूजुअल, और दूसरा क्या हमारे पास, डिस्क्रीट।
तीसरे अब एक क्वेश्चन, इसके अंदर हमने एक्स को किस क्या ट्रीट किया, आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर यानी आपके इसके अंदर एलिमेंट किस में मिलेंगे, पेयर में। हमने दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, एक्स और वाई किसके हमारे पास, एक्स के। एक्स के एलिमेंट तो किस में मिलेंगे, पेयर के अंदर। तो एक्स हमने मान लिया एक्स वन कोमा एक्स टू टाइप का एलिमेंट है, वाई जो हमने मान लिया वाई टू कोमा वाई वन कोमा वाई टू टाइप का एलिमेंट है। तो ये कोई अगर आप आर स्क्वेयर के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लो और उन दो आर्बिट्री दो एलिमेंट के ऊपर हमने ये तीन मीट्रिक यहाँ पर डिफाइन की। पहले क्या, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस, यानी कि एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वेयर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वेयर का अंडरूट। ये जो आप प्लस टू के अंदर भी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के आए एज इट इज, प्लस टू की बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ये डी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अब आप मीट्रिक पढ़ रहे हो तो अलग अलग तरीके से डिस्टेंस निकाल रहे, तो ये आपका प्लस टू वाला डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। तो ये आपका क्या बनेगा, आपका मीट्रिक स्पेस। सिमिलरली फिर क्या करना, आपने एक्स वन माइनस वाई वन का मोड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का अंडर स्क्वेयर, एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वेयर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वेयर का अंडर रूट फर्स्ट। ये भी क्या बनेगा हमारे पास मीट्रिक। फिर इसके अंदर फोर्थ क्या, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस